वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 3 अरब साल पहले शुक्र ग्रह में पानी मौजूद था, लेकिन 700 मिलियन यानी 70 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में हुए नाटकीय बदलाव के कारण इस ग्रह के 80% क्षेत्र का निर्माण दोबारा हुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अध्ययन में यह बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह अध्ययन शुक्र ग्रह की जलवायु के इतिहास का नया दृष्टिकोण देता है और उम्मीद जताता है कि शुक्र के जैसे एक्सोप्लेनेट्स में जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। 40 साल पहले नासा के पायनियर विनस मिशन ने अध्ययन में यह पाया था कि पृथ्वी के नजदीकी ग्रह में उथले महासागर का पानी हो सकता है, यह देखने के लिए कि क्या शुक्र की जलवायु ऐसी है कि वहां कभी पानी ठहरा हो सकता है। अमेरिका में नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के शोधकर्ताओं ने सिमुलेशन के जरिए शुक्र में पानी के विभिन्न स्तरों की श्रृंखला बनाई, जिसे 5 भागों में बांटा गया। सभी 5 परिदृश्यों में उन्होंने पाया कि लगभग 3 अरब वर्ष तक शुक्र ग्रह अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के बीच अपने तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम था। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका मतलब है कि किसी समय में शुक्र भी जीवन के लिए उपयुक्त रहा होगा, पर आज भी यहाँ शीतोष्ण जलवायु को बनाए रखा जा सकता है। GISS के शोधकर्ता माइकल वे ने कहा है कि हमारा अनुमान है कि अरबों वर्षों तक शुक्र में एक स्थिर जलवायु रही होगी। यह संभव है कि लाखों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में हुई उथल पुथल के कारण इस ग्रह की जलवायु गर्म हो गई हो। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि 5 में से 3 परिदृश्यों में शुक्र ग्रह की स्थलाकृति ठीक वैसी ही पाई जाती है जैसी आज इस ग्रह की आकृति है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें 310 मीटर की गहराई पर महासागर, 10 मीटर की गहराई में उथले पानी की परत और सतही मिट्टी में भी कुछ मात्रा में पानी हो सकता है। शोधकर्ताओं ने अपने परिणामों की तुलना पृथ्वी की स्थलाकृति और इसके महासागरों की स्थिति से भी की है। शुक्र सौर मंडल का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। हालांकि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि सूर्य के पास होने के कारण यहां रहने योग्य संभावनाएं नहीं हो सकती। GISS के माइकल वे ने कहा है कि शुक्र ग्रह में पृथ्वी की तुलना में सौर विकिरण पहले से ही दोगुना है, फिर भी अध्ययन से पता चलता है कि शुक्र की सतह पर पानी होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि लगभग 420 करोड़ साल पहले जब ग्रह का निर्माण हुआ था तो उस समय शुक्र भी गर्म था, लेकिन यह तेजी से ठंडा हो गया और इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हावी हो गई। यदि शुक्र को भी ठंडा होने में पृथ्वी जितना समय लगता है तो संभव है इस ग्रह की कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकेट चट्टानों द्वारा खींच ली जाती और आज यहाँ जीवन संभव होता।